भाइयों बहनों, ये ग्वालियर की ताकत है जो राजमाता को लोक माता बना देता है। ये ग्वालियर की ताकत है। और जब राजमाता की याद आती है तो आपातकाल के दिनों को हम कैसे भूल सकते हैं। मैं जरा कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं और राजमाता जी के परिवार के जो लोग कांग्रेस में हैं उनको भी पूछना चाहता हूं, विशेष रूप से उनसे पूछना चाहता हूं। ग्वालियर की जनता के नाते, ये ग्वालियर की जनता का आवाज उठाना चाहता हूं, जरा बताइए इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय ये कांग्रेस सरकार ने, जिस कांग्रेस का झंडा लेकर के आज आप घूम रहे हो, राजमाता जी को किस गुनाह की सजा के तहत 19 महीने तक जेल में बंद कर दिया था, जरा जवाब दो। और आप में अगर हिम्मत है, आप अपनी पार्टी के करता धरता लोगों से जरा पूछने की हिम्मत करो कि आपकी दादी मां को 19 महीने तक जेल में क्यों पीड़ित किया गया था, क्या गुनाह था उनका, क्यों उनको जेलों में यातना दी गई थी। और अगर वो निर्दोष थी तो फिर कांग्रेस पार्टी ने ये पाप क्यों किया था। उस प्रकार की उस सरकार ने लोकतंत्र के नाम पर गला घोंटने का प्रयास क्यों किया था।